वहीं नींबू माल्टा पार्टी से हरीश रावत ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर घमासान चरम पर है। प्रदेश में कांग्रेस के बड़े चेहरे हरीश रावत पहले सीएम फेस को लेकर बयान देते हैं, अपनी दावेदारी पेश करते हैं और फिर बाद में गेंद आलाकमान के पाले में फेंक देते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद बड़ी योजनाओं की घोषणा करना, लोगों के बीच जाकर माहौल तैयार करना और अब नींबू और माल्टा पार्टी के जरिए नेताओं को ताकत का एहसास कराना। माना जा रहा है कि इसका हरीश रावत हाईकमान को सीएम फेस होने का एहसास कराना चाहते हैं, क्योंकि हरीश रावत कई बार ये जता चुके हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। हालांकि इसको लेकर हरीश रावत ने सफाई भी दी है और भाजपा पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। ये देखिए, आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। नींबू माल्टा पार्टी का आयोजन किया गया था और हरीश रावत एक तरीके से अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है और उस गवर्नमेंट का एजेंडा उत्तराखंडियत होगा और उत्तराखंडियत का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो है नींबू भी है। यानी नींबू को भी खास माल्टा है, हमारे भगवानपुर की मूंगफली है और जैविक गुड़ है हरिद्वार का, ये सब उसके हिस्सा हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर परोसी जा रही हैं ताकि लोगों में मालूम पड़े कि आगे सारी नीतियाँ कार्यक्रम उत्तराखंडियत के चारों तरफ ही चलेंगे। वही हरीश रावत पिछले कुछ रोज से किसी ना किसी बहाने से सीएम पद के लिए दावेदारी पेश करते हुए दिखाई देते हैं। हरीश रावत के समर्थन में कांग्रेस के कई नेता भी दिखाई दिए, तो वहीं कांग्रेस का एक खेमा कह रहा है कि सीएम का फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व सीएम हरीश रावत किसी ना किसी बहाने हर दिन सीएम की कुर्सी के लिए दावेदारी जता रहे हैं। हरीश रावत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे कई बयान दे चुके हैं जिसमें उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लालसा साफ नजर आ रही है। मगर हरीश रावत अब कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और ये सब भाजपा का करा धरा है। दुष्प्रचारी समझिए भाजपा का चल रहा था श्री चेन्नई को फेस डिक्लेयर करने के बाद कि भाई हरीश रावत तो गया, अब तो नहीं होता, तो ये तुम्हारा गैरसोन कौन बनाएगा, तुम्हारा ये सिलेंडर का वादा पूरा कौन करेगा, तुम्हारे जिले कौन बनाएगा, तुम्हारे जो है भू कानून कौन बनाएगा, तुम्हारा फला रोजगार वाला कौन वादा पूरा करेगा, इस तरीके का संदेह खड़ा किया जा रहा था। तब मैंने उस समय कहा, मैंने कहा भाई किसी को संदेह में आने की जरूरत नहीं, मेरे सामने केवल एक ऑप्शन है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या मुख्यमंत्री नहीं तो फिर मैं घर बैठूंगा। लेकिन इसलिए भाजपा के लोगों का जो वो है, आप इनके दुष्प्रचार में मत आइए। उत्तराखंड में हरीश रावत कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चेहरा है। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस को इस स्थिति में लाने में हरीश रावत का बड़ा योगदान है, मगर कांग्रेस के अंदर की खेमेबाजी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करती रही है। यही वजह है कि कांग्रेस में रह रहकर सियासी बवंडर उठता रहता है। सब यही भी कहते हैं ना कि हरीश रावत से बड़ा चेहरा भी कौन है। नहीं, वो चेहरे नचेहरे की बात नहीं है, बात यह है कि तीसरा विकल्प क्या है मेरे पास। तो इसलिए यदि मान लिया कोई कह भी रहा है, इस पर राजनीति भी करना चाहता है, तो मैं उसको दोष नहीं दूंगा। हरीश रावत कई बार सीएम पद के लिए दावेदारी जता चुके हैं, मगर वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष को इस पर फैसला करना चाहिए। ये सत्यता है, ये फैक्ट है, हम सब लोगों की दिली इच्छा भी यही होगी कि कांग्रेस प्रेसिडेंट निर्णय करेंगे यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन विधानमंडल दल का नेता होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, मगर उससे पहले कांग्रेस नेता जीत का दावा कर रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि हरीश रावत कैंप के नेता हरदा को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी भी कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट।